गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आशु नायक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्लेटफॉर्म परिवार की ओर से। दोस्तों, आप लोगों के बीच बहुत सारी कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल कराई गई है प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इतना कम फी में इतना ज्यादा कोर्सेज और इतना ज्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे हर चीज का व्यवस्था शेड्यूल तैयार कर दिया गया। तो अब है टॉपिक एक पॉइंट की, वो पॉइंट है एडवांस मैथ। दोस्तों, आप लोग एडवांस मैथ की जरूरत समझ रहे हैं, मैथ्स में क्या होती है। कोई भी एग्जाम इससे छूटा हुआ नहीं है। हर एक एग्जाम में ये एक बेस्ट कंटेंट रहता है, जिसमें कि अगर तैयारी ठीक से नहीं है तो दिक्कत होता है। देखिए, सबसे पहले मैथ्स की बात ही एक ऐसी है, मैथ्स को अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं, मैथ्स अगर आप चाहते हैं जो जल्दी बनाएं, और जल्दी बनाएगा तभी आप पास करिएगा, नहीं तो आपको लेट से बनता है या खूब बन जाता है घर पे बैठ के देरी से, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो उससे कुछ नहीं होता, वो बहुत लोगों को होता है। आपको जब कभी भी एग्जाम पास करना है तो आपकी आप में वो एबिलिटी होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप में जब कुछ, जब तक ना कुछ एक्स्ट्रा होगा तब तक दिक्कत है। तो एडवांस मैथ, चाहे आप SSC लीजिए, आप रेलवे का दीजिए, कि ये सब एग्जाम जो भी आप दीजिएगा, डिपार्टमेंट का, इसका जितना एग्जाम दीजिएगा, सब में एडवांस मैथ की जरूरत है। तो एडवांस मैथ अभी एक टेस्ट सीरीज चलता है, जिसमें आप लोग देखे थे क्वेश्चन कितना अच्छा अच्छा सब आ रहा था, जिसमें कुछ टेक्निक सब देख रहे थे कैसे बनता। कुछ लोग कहते ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो वही मैं समझाना चाहता हूँ। मैथ्स अगर आपको जल्दी बनाना है तो आपको उसके गहराई में उतरना होगा। अगर आप उसको बढ़िया से थिंकिंग करते हैं, डीपली आपके पास उसका नॉलेज है, तो आप हर एक वो टर्म का प्रयोग आप कर पाएंगे जो कि आपके नॉलेज को उछाल देगा। जानते हैं आप भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक के कारण आपका मैथ्स जल्दी नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको टेक्निक चाहिए, और आज का वही मामला है, जो आपके पास टेक्निक नहीं है सवाल को जल्दी बनाने का, तो आप कुछ नहीं करिएगा। फिर बनाइएगा, एग्जाम में बैठिएगा, घूम के आइएगा, रिजल्ट खोजने जाइएगा, नो रिजल्ट। तो आपको चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, आपको टेक्निक आना चाहिए जो जल्दी कैसे बनाए। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए उसका एक बेस्ट कंटेंट लेके आए हुए हैं, जो कि 25 अगस्त से शुरू होने वाली है। मात्र 250 रुपया में आपका ये कोर्स है पूरा। 3 से 3.5 महीना तक मैं पूरा एकदम आप लोगों के जितना हो सके टोटल पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोगों में कोई तरह का दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी करिए, और पहले तो कोर्स खरीदिए तब तैयारी करिएगा, और उसका प्रैक्टिस रहेगा। पैसा बहुत कम है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सिलेबस। सिलेबस देख लीजिए, एडवांस मैथ का जो है, एडवांस मैथ का सिलेबस देखा जाए। एडवांस मैथ में आप क्या सब पढ़िएगा, जैसे पहला है अलजेबरा। अलजेबरा में आप क्या सब, तो अलजेबरा में ढेर सारा टर्म है। आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़िएगा, आप पॉलिनोमियल पढ़िएगा, आप टोटल एक लिनियर इक्वेशन पढ़िएगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा। उसके बाद ढेर टाइप का और सवाल उसमें आता है, जो कि जल्दी कैसे बने वो सब आपको बताया जाएगा। फिर आपको अलग से उसमें जितना भी कंटेंट रिसेंट में एग्जाम सब में पूछा जाता है, हर एक वो टाइप का आपको प्रॉब्लम करा दिया जाएगा। क्वेश्चन का आपको PDF जाएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास रहेगा, और हम लोग थ्योरी में उतना काम कर लेंगे जो सवाल फिर कोई भी रहे तो उसको एकदम उड़ा देना। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे APGPHP, इससे भी सवाल रहता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, इसको बहुत ही जानना जरूरी है। समझ रहे हैं, ये आपको प्रोग्रेशन चैप्टर होता है, वैसे हम लोग 12th सब में खूब पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकली हम लोगों को पढ़ना है। लॉगरिथम है, इससे भी कभी कभार सवाल दे देता है, लेकिन जानना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री समझ रहे हैं ये क्या चीज है और कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो पूरा उसका फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला कैसे होता है, कहाँ हमको कंफ्यूजन होता है, क्यों कंफ्यूजन होता है, वो सभी चीज हम लोग अगर जान लेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का टोटल कैसे फॉर्मूला फॉर्मेशन होता है, उसमें किस किस टाइप का सवाल आता है, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, फिर उसका ग्राफ सब है, जो कैसे हम लोगों की पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके, सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही ये भी चैप्टर होता है, हाइट एंड डिस्टेंस वही सबका काम पड़ता है,
इसमें ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन देखिए, अब मेंसुरेशन में एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो फॉर्मूला सब जो हम लोग इतना रटते हैं उसको कैसे एकदम माइंड में बैठाया जाए, कैसे किसी भी आकृति का हम हर एक स्थिति से अवगत हो सके, ये हर चीज आपको बताया जाएगा पूरा डिटेल में। ये नहीं जो खाली लिख दिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। वर्ग है तो उसमें क्या सब होता है कंटेंट, वर्ग में क्या सब कंडीशन हो सकता है, वर्ग में क्या सब हर एक टर्म उसका कंडीशन की हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कुछ भी घुमाएगा तो सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो इस आधार पर हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे इसका और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद है प्रिज्म पिरामिड। इसका भी देखिए फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसको भी ढंग से समझेंगे जो प्रिज्म और पिरामिड का आकृति कैसा होता है, क्या होता है, इसमें कौन कौन कंडीशन लाइक कर सकता है, कटिंग करेंगे पिरामिड का तो क्या कंडीशन आएगा, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री देखिए ज्योमेट्री आएगा तभी आपको मेंसुरेशन भी होगा, ये दोनों एक मिला हुआ टर्म है, क्योंकि प्रॉपर्टी इसमें प्रॉपर्टी होता है इसमें फॉर्मूला है, तो प्रॉपर्टी याद रहेगा तब ये फॉर्मूला से काम होगा, बहुत जगह प्रॉपर्टी तो ये सब एक साथ हो जाता है। फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ रहे हम लोगों को हर एक तरह का निर्देशांक सब समझना है, कोऑर्डिनेट समझना है जो कैसे उसमें लाइन पासिंग आपका परपेंडिकुलर है पैरेलल है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एरिया क्या होता है, तीन बिंदु रहने पर हर एक टाइप का जो भी कंडीशन होता है, दो लाइन का इक्वेशन, एक बिंदु से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन, दो बिंदु से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन, दोनों लाइन के बीच का एंगल, हर एक कंडीशन को हम लोग को देखना। उसके बाद है एस्टेटिक्स। एस्टेटिक्स भी आपको रहता है, एस्टेटिक्स से भी सवाल सब दिया जाता है रेलवे में खूब। एक और टर्म लिख दीजिए, 11 नंबर हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे तो हमको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा, पहले फैक्टोरियल फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन तब प्रोबेबिलिटी भी होगा। तो इतना सारा टर्म है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एसएससी में, तो ये 40% मिनिमम 40% इसका काम रहता है एसएससी में, हर हाल में एसएससी में ये 40% आपको रहेगा। तो इतना चीज और लोग इसी में फंस जाता है, इसी में फंसता है जो अब पूरा याद नहीं है या फॉर्मूला बेस्ड आप बना रहे हैं तो बहुत लॉन्ग में बन रहा है। तो हम लोगों को टेक्निक समझना है, इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को कैसे दिमाग लगाएं और वो कंसेप्ट के सवाल को कैसे जल्दी बनाएं ये मैं बताऊंगा। अभी टेस्ट भी कराता हूं तो कितना लोग कहता सर ये सवाल बहुत भारी हो गया, सर ये नहीं बनता है। तो देखिए आपको जब हल्का लगने लगे तब तो पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई भारी ही होता है, आप उससे जितना लड़िएगा उसको आप अपने में उतना ही कैप्चर कर पाइएगा। तो डरिए मत, डरिएगा तो फिर दिक्कत है। पढ़ाई जब तक ना आपको दिमाग पे कुछ प्रेशर डाले, एक घंटा पढ़ने से अगर दिमाग पे कुछ प्रेशर नहीं पड़ा तो आप क्या पढ़े, दिमाग पर एकदम प्रेशर पड़ना चाहिए। इसलिए आप भारी से भारी सवाल से लड़िए, लड़िएगा तो धीरे धीरे वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज आप लोग के लिए सब व्यवस्था किया जा रहा है और वो मात्र 250 रुपया फी है, आप समझ रहे हैं, जिसका फी 1050 चलता था वो अभी मात्र 200 रुपया में आपको अवेलेबल है, मात्र 250 रुपया में, 250 रुपया में। और आज 15 अगस्त में हो सकता है 2 या 4 घंटा के लिए आपको ऑफर भी मिले, कुछ और ऑफर मिल सकता है। तो आप लोग अपना एडमिशन करा करके 25 अगस्त से आप रेडी हो जाइए, एडवांस मैथ को एकदम बॉटम टू पिनेकल जो होता है वो हम लोग तैयार कर लें इसका, जिससे कोई भी एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत ना आए, ठीक ना। तो बस यही आपको कहना चाहते हैं, जिसको भी जहां दिक्कत है मैथ्स में, अब कुछ को अर्थमेटिक में भी दिक्कत है तो बहुत जल्द 1 मंथ रुक जाइए, अगला मंथ देखते हैं अर्थमेटिक भी आएगा। और आप डिस्कशन देख चुके हैं जो मैं किस तरह बताता हूं, तो हम मेरा एक ही प्रयास रहता है स्टूडेंट वो टोटल कंटेंट जाने बढ़िया से जो एग्जाम में उससे पूछा जाता है उसको वो इजीली कैसे हैंडल करे, इस पे मेरा काम रहेगा और वही काम मैं हमेशा करते आया हूं। बस आप लोगों के लिए मेरे पास जितना मैं हमेशा सोचता हूं वो टोटल का टोटल या उससे प्लस हो सके तो आपको दे दूं, हमको और मेहनत करना पड़े वो ठीक है लेकिन आपको उतना तक पहुंचा दें जो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आप लोग अगर रियल में बताता हूं, अगर आप बढ़िया से पढ़ लोगे
तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा है। आपका वादा फिर मेरे से वही है जो आप जो पढ़ते हैं उसको क्लियर करते चलिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना, चलिए ठीक है। मिलिए आप लोग 15 25 अगस्त को। और एक और काम आप लोगों के लिए मैं करता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक भी आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको एक छोटा सा टॉपिक भी बताने जा रहा हूँ। जो देखिएगा छोटा सा टॉपिक में कितना कंटेंट है, बड़ा टॉपिक उठाएंगे तो जल्दी खत्म नहीं होगा। ये जस्ट आप लोगों को आपको कहने के लिए, आपके सामने में उपस्थित होने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को आपके माइंड तक अच्छे से समझाने के लिए बताया बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग हैंडल करिए और फिर चलते चलते, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को अगला वीडियो में मैं जरूर भेज दूंगा, जो आप लोग देखिए और क्या क्या हम लोगों को देखना होता है, उससे कैसे सवाल बनता है, उससे कैसे सवाल आता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में, और उसके बाद फिर 25 अगस्त को। ओके, धन्यवाद।